हंसी मजाक का ही मूड चल रहा था, तो मैंने, और उन्होंने अपने मैसेज के आगे इमोजी डाले थे, तो मुझे लगा ये हंसी मजाक का मैसेज है, तो मैंने उनको यस कर दिया। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मैं इंडियन हूँ, आई लव इंडिया, और मैं इंडिया से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप सभी लोग प्यार करते हैं। तो जैसे ही मैंने एहसास हुआ कि मैंने गलती कर ली है, तो मैंने रातों रात ही मैसेज, वो स्टेटस डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली शायद ये गलत वे में जा रहा है, तो मैंने उस स्टेटस को डिलीट कर दिया। बीते दिनी भारत पाकिस्तान का T20 मैच होया, जिस भारत नूं हार मिली है। इस हार तो बाद पहला संगरूर दे एक निजी कॉलेज कश्मीरी नौजवानों नूं कुटमार करन दा मामला सामने आया। उन्हां दोष लाए कि कुछ हिंदू नौजवानों वल्लों उन्हां ते हमला किया गया। उत्थे ही हुण जदों पाकिस्तान की जित नूं लैके उदयपुर च एक स्कूल की अध्यापका नफीशा ने पाकिस्तान की जित ते खुशी जाहिर की, पाकिस्तान के समर्थन च पाकिस्तानी खिडारियों के स्टेटस और फोटो लगाईया, तो इसकी सूचना मिलते ही स्कूल ने उसनों बाहर कर दिता, जिस तों बाद अध्यापक ने लाइव वीडियो दौरान इस संबंधी अपना पक्ष रख के मुआफ़ी मंगी है। तो किसी ने मुझे मैसेज किया, तो उस पर मैंने, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हंसी मजाक का ही मूड चल रहा था, तो मैंने, और उन्होंने अपने मैसेज के आगे इमोजी डाले थे, तो मुझे लगा ये हंसी मजाक का मैसेज है, तो मैंने उनको यस कर दिया। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मैं इंडियन हूँ, आई लव इंडिया, और मैं इंडिया से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप सभी लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और अगर आप किसी को भी ऐसा लगा हो, जो मैंने भी एहसास किया कि वो एक्चुअली गलत हो गया है, तो जैसे ही मैंने एहसास हुआ कि मैंने गलती कर ली है, तो मैंने रातों रात ही मैसेज, वो स्टेटस डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली शायद ये गलत वे में जा रहा है, तो मैंने उस स्टेटस को डिलीट कर दिया। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, और किसी को ठेस पहुँची हो उसके लिए आप मेरी सॉरी। इस मामले च कुछ लोगों वालों नफीशा की गिरफ्तारी और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मंग भी की जा रही है। उन्होंने वालों वधीक जिला मैजिस्ट्रेट उदयपुर नूं मंग पत्र भी इस संबंधी सौंपया गया है। पाकिस्तान का समर्थन करने की बात कही थी बहुत सारी, और उसने व्यक्तिगत स्कूल में रिसर्च कर दिया है बच्चों को देखते हुए, अभी तक गिरफ्तार हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। तो सर मांग ये है कि सर देख दो, मतलब माफी मांगी लेकिन सर उसके बाद सर ये गलती की सर माहौल खराब करने के लिए आप जानते हैं, कल में वही दर्ज रेडियो क्या सर इस पर, और उनके कार्रवाई पूर्ण तरह से हो रही है सारी। दस दी कि महिला अध्यापक नफीशा वालों पाकिस्तान की जित तो बाद उन्हां दा स्टेटस पाया गया, जिस तो बाद विरोध होने ते हालांकि इसनों डिलीट कर दिता गया, पर इस संबंधी सूचना मिलते ही स्कूल ने उसनों बाहर कर दिता। दस दी कि हुण नफीशा की मुआफ़ी वाली वीडियो सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही है, जिस से लोगों वालों वख वख तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।